अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीदा किचन क्वीन। और मैं हूँ संजीदा। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है, जो है गोश्त की बिरयानी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोश्त की बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत ही खिली खिली चावल बनाने वाले हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना, बहुत ही अच्छी बनने वाली है आपकी भी ये रेसिपी, झटपट से बनने वाली बिरयानी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट के साथ। तो देखो ये कितने खिले खिले चावल बने हैं, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ये 1 किलो बासमती राइस लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए सो करके रखा था। और सबसे पहले हम लोग अभी बर्तन रख देंगे, एक बड़ा बर्तन रखना है जिसमें हमें राइस बनाना है। और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, उसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जीरा डाल दिया है। और इसे अच्छे से सौते करने के बाद इसमें 1 अनियन हम लोग चॉप करके डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाना है। और फिर हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, इसे भी हम लोग अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से इसे सौते करना है। फिर हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितने हमारी चावल है उससे डबल हमें पानी ऐड करना है इसमें। तो हम इसमें अभी पानी ऐड कर रहे हैं, आप गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो इसमें। पानी ज़्यादा रहेगा तो चावल अच्छी खिली खिली बनेगी। तो मैंने जितने चावल है उसे डबल पानी लिया है। और इसे हम लोग अभी ढक के रख देंगे। इसमें हम लोग को सॉल्ट डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे हम लोग। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा उबाल आने तक हमें इसे ढक के रख देना है। पाँच से 6 मिनट के बाद हम लोग अभी इसे खोलेंगे। देखो अच्छे से उबाल आ चुका है। तभी हम लोग इसमें चावल डालेंगे जो हम लोग ने सोख करके रखा था। 1 किलो बासमती राइस है ये। चावल को पकने रखे हमें 10 मिनट हो गए थे, 10 मिनट के बाद ये अच्छे से बन चुके हैं। तो देखो हमें एक तोड़ के देखना है, एक चावल थोड़ी सी कनी रहना चाहिए, पूरे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर जब हम लोग दम पे रखेंगे तो ये गिजड़ा हो जाएगा चावल। तभी हम लोग इसका पानी निकाल देंगे। अब चन्नी की मदद से मैंने एक चन्नी रख दी है, अब उसमें मैं चावल निकालूंगी, पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। देखो बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं हमारी। इसे अच्छे से पानी निकलने देना है हमें। तो देखो बहुत ही खिली खिली चावल बनी है, ऐसे ही चावल बनना चाहिए था बिरयानी के लिए, ऐसे ही चावल बनती है। तो ये चावल हमारी हो चुकी है, तो अभी हम लोग इसे छोड़ देंगे एक साइड में ड्रेन होने के लिए। और हम अभी बिरयानी का जो मसाला है वो बना लेंगे। तो चलो हम लोग बताते हैं इंग्रेडिएंट्स बिरयानी के मसाले के। तो ये मैंने 1 से 1.5 किलो गोश्त लिया है जिसे मैंने बॉईल करके रखा है। अनियन लिए मैंने 8 से 10 अनियन को चॉप करके रखा है, बारीक चॉप किया है। टमाटर लिए है मैंने 10-12, पुदीना लिया है, धनिया लिया है थोड़ा सा, और कुछ ग्रीन चिली है जो मैंने थोड़े कट करके रखे हैं 2 पीस में। आलू लेना है आपको, आलू ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो वरना नहीं भी। तो कुछ गरम मसाले लिए हैं, आप गरम मसाले पसंद करते हैं डालना तो आप डाल दीजिए। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें है ये बिरयानी का मसाला लिया है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, नमक है, ज़ीरा पाउडर लिया है, तीखी वाली थोड़ी मिर्ची ली 1 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लिया मैंने 1 चम्मच, और मैंने दही लिया है 1 बॉल, और अदरक लहसुन लेंगे हम लोग 4 बड़े चम्मच। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लगेगा। बर्तन में हम लोग 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और उसमें हम लोग आलू फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई होकर निकाल लेंगे हम लोग। फिर उसमें हम लोग कुछ गरम मसाले जो हम लोग ने लिए हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे। गरम मसाले के बाद हम लोग इसमें जो अनियन हम लोग ने कट करके रखा है वो डाल देंगे, ग्रीन चिली जो हम लोग ने कट करके रखी है वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से सौते करना है हमें ऑनियन को, ऑनियन हमें अच्छे से लाल करना है, इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग को इसे पकाना है। हम लोग इसका बिरिस्ता नहीं बना रहे, हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं झटपट से बनने वाली जो बिरयानी है वो बना रहे हैं हम लोग।
तो देखो ये अच्छे से हम लोग के अनियन जो है ब्राउन हो चुके हैं। तो 4 बड़ी चम्मच मैंने अदरक लहसुन का लिया था पेस्ट, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। उसे अच्छे से सौते करने के बाद हम लोग इसमें जो टमाटर कट करके रखे थे वो टमाटर हम लोग इसमें पूरे डाल देंगे। और इसे भी हम लोग अच्छे से मिलाएंगे मसाले में, जो अनियन है उसमें हम लोग इसे अच्छे से मिला देंगे। सॉल्ट डाल दिया है मैंने टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा, इसे अच्छे से मिलाना है हमें। बहुत ही आसानी से बनती है, स्टेप बाय स्टेप अगर बना रहे हैं आप तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो टमाटर हमारा गलने लग गया है, तो अभी हम लोग इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो ये सब हम लोग को इसमें डाल देना है, ऐड कर देना है सब ड्राई मसाले जो है, और अच्छे से इसमें मिला देना है हमें। अनियन और टमाटर हमारा गलना चालू हो गया है, गल गया है अच्छे से। तो अभी हम लोग इसमें जो मटन बॉईल करके रखा था वो हम लोग इसमें मिला देंगे मसाले में। पुदीना कोथमीर हम लोग जो कट करके रखा था वो भी हम लोग इसमें डालेंगे। आलू डाल देंगे और जो दही लिया था हम लोग ने 1 बोल दही हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे मसाले में। बहुत अच्छे से ऊपर नीचे से पूरा मिक्स करना है ये मसाला, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये बिरयानी। आप प्लीज़ इसे बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी बिरयानी कैसे बनी थी। तो ये जो मसाला है अभी हम लोग इसे ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखो 5-10 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी छूट गया है, जो दही का पानी था टमाटर का पानी था वो थोड़ा सा इसमें छूट गया है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें ही हम लोग को अभी चावल डालनी है जो हम लोग ने बॉईल करके रखे थे। तो ये बॉईल जो चावल है, राइस हम लोग ने बॉईल करके रखे थे, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे, लेयर लगाना है हमें। तो थोड़ा सा पुदीना कोथमीर डाल दिया है, उसके बाद ये कलर है, ये ऑरेंज कलर है इसमें डालना है। फिर मैंने ग्रीन कलर डाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है हमें, और एक लेयर लगानी है। और मैंने थोड़ा सा केसर का भी पानी बना, दूध बना के रखा था, वो भी हम लोग इसमें थोड़ा डाल देंगे। इसके बाद हम लोग वापस चावल की एक लेयर डाल देंगे। चावल देखो कितने खिले खिले बने हैं। इसमें वापस हमें कलर डालना है, पुदीना कोथमीर डालना है, कलर डालना है। इसमें हम लोग 2 से 3 बड़े चम्मच घी भी डाल देंगे, इसे चावल बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऑरेंज कलर मैं वापस से डाल रही हूँ इसमें, ये येलो कलर डाल रही हूँ। और फिर हम लोग इसमें ग्रीन कलर डाल देंगे, बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में ही, बहुत ही मज़ेदार दिख रही है। तो ये बिरिस्ता मैंने थोड़ा सा प्याज का बिरिस्ता भी बना के रखा था, वो भी हम लोग इसमें डाल रहे। बिरयानी में बिरिस्ता बहुत ही अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। और अभी हम लोग इसे दम पे दे देंगे 5 मिनट के लिए, हमें हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमें एकदम लो करके रख देना है। तो देखो ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मेरे, तो ये मेरी बिरयानी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। देखो गर्मा गर्म बिरयानी हम लोग अभी सर्व करते हैं। मैं आपको राइस का एक एक दाना दिखाऊंगी, कितना ही कितना खिला खिला बना है ये राइस। माशाल्लाह दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है ये बिरयानी, आप घर पे ज़रूर ट्राई करना इसी स्टेप से ये बिरयानी। तो देखो मैं मसाला भी निकाल के दिखा रही हूँ आपको, मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है माशाल्लाह। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। झटपट से बनने वाली, आसान से तरीके से बनाने वाली बिरयानी मैंने आपको दिखा दी हो, देखो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको चम्मच से भी बताती हूँ कि मेरी चावल कितनी खिली बनी है।
तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।